हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में ऑर्गेनॉइड्स के बारे में और देखेंगे क्या ऑर्गेनॉइड क्या ये सोल्यूशन बन सकता है हमारे COVID-19 का, कोरोना वायरस को स्टडी करने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं जिसको आप यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं या फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो आप लोगों ने रिसेंट में इस तरीके की न्यूज आपने पढ़ी होगी कि लैब ग्रोन मिनी ह्यूमन ऑर्गन्स में प्ले की रोल इन कोरोना वायरस ड्रग डेवलपमेंट, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला हुआ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। कंटेक्स्ट के बारे में अगर देखें तो कंटेक्स्ट बोलता है, एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लैब ग्रोन टाइनी ह्यूमन ऑर्गन्स टू स्टडी वायरल डिसीजेस कैन एक्सेलरेट रिसर्च ऑन द नोवेल कोरोना वायरस एंड पेव द वे फॉर न्यू COVID-19 थेरेपीज, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है, जैसा कि हेडलाइन में भी लिखा हुआ था। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, इस पूरे स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड के बारे में पहले हमें बेसिक जानकारी हमें लेनी होगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टडी को देखेंगे कि ये क्या चीज है। तो ऑर्गेनॉइड को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप ली हुई है और ये आप लोगों ने मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी का ये पिक्चर का सीन है। यहाँ पर ये चिट्टी रहता है। चिट्टी को डेवलप किसने किया रहता है? चिट्टी को डेवलप किया रहता है इस डॉक्टर साहब ने। तो ये डॉक्टर साहब डेवलप किए रहते हैं चिट्टी को, जो कि एक रोबोट रहता है, और इस रोबोट में फिर धीरे धीरे फीलिंग्स आ जा रही होती हैं। तो बेसिकली ऑल दो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक एग्जांपल है, बट स्टिल आप इसको समझ सकते हैं ऑर्गेनॉइड के भी फॉर्मेट में, कि यहाँ पर रोबोट को आप रिप्लेस कर दीजिए एक ऑर्गन के साथ, उस ऑर्गन में सेंसर्स डाल दीजिए और वही बन जाता है हमारा ऑर्गेनॉइड का कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं समझना पहले इसको। तो यहाँ पर ऑर्गेनॉइड के बारे में देखें तो ऑर्गेनॉइड बेसिकली आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रोन इन लैबोरेटरी इनटू थ्री डिमेंशनल मिनिएचर स्ट्रक्चर दैट मिमिक द सेल अरेंजमेंट ऑफ अ फुली ग्रोन ऑर्गन। इसके बारे में समझने के लिए देखिए, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज ये हमारी ह्यूमन ब्रेन मुझे बनानी है, इस ह्यूमन ब्रेन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक इसका मिनिएचर बनाना पड़ेगा। मिनिएचर का मतलब इसका एक छोटा रूप बनाना पड़ेगा, और उस छोटे रूप को मैं बनाऊंगा कैसे? हम लोग बनाएंगे इसको स्टेम सेल के मदद से। स्टेम सेल के लिए देखिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा। जिसको भी स्टेम सेल में डाउट हो वो आई बटन पे क्लिक करके पहले स्टेम सेल के बारे में देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में स्टेम सेल की काफी बारीकियां डिस्कस कर रहे होंगे। अब इस स्टेम सेल की मदद से हमने एक मिनिएचर बना दिया, और इस मिनिएचर से जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन या फिर पार्ट ऑफ द ऑर्गन को हमें स्टडी करना है उसे हम यहाँ पर मिनिएचर बना करके स्टडी कर रहे होंगे। तो दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनॉइड। आइडिया लग गया ऑर्गेनॉइड का मतलब क्या होता है। आगे अगर बढ़े तो देखिए, दे आर टाइनी मतलब छोटा ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर दैट डू नॉट अचीव ऑल फंक्शन मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन बट ऑफन रिजेंबल द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग टिश्यू। तो हमें जिस भी पार्ट की स्टडी करनी होती है हम वो पार्ट बेसिकली बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ह्यूमन माइंड है, माइंड में हमारे अलग अलग पार्ट हो रहे होते हैं, उस पार्ट में से किसी एक की स्टडी जिसकी भी हमें करनी है वो पार्ट बेसिकली हम लोग स्टेम सेल के सहायता से बना ले रहे होते हैं, और उस पे जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनॉइड कंटेन ओनली अ सबसेट ऑफ ऑल द सेल्स सीन इन अ रियल ऑर्गन बट लैक ब्लड वेसल टू मेक देम फुली फंक्शनल। तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होगी क्योंकि ये ब्लड वेसल से कनेक्ट नहीं है, और इस वजह से केवल और केवल एक डमी फॉर्मेट में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट के कारण से जो भी रिपरकशंस निकल के आ रहे हैं उनको हम स्टडी कर सकें। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ आर ऑर्गेनॉइड्स ग्रोन इन द लैब, बनाया कैसे जाता है ऑर्गेनॉइड्स को। इट इज ग्रोन इन द लैब यूजिंग स्टेम सेल दैट कैन बिकम एनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल सीन इन द ह्यूमन बॉडी, और स्टेम सेल टेकन फ्रॉम द ऑर्गन और एडल्ट सेल दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बिहेव लाइक स्टेम सेल साइंटिफिकली कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसमें है क्या कि एक ह्यूमन बॉडी रहेगी, उस ह्यूमन बॉडी से हम लोग स्टेम सेल को निकाल रहे होंगे, और उस स्टेम सेल के सहायता से हम लोग वो पार्ट
वो ऑर्गन बनाएंगे, उस ऑर्गन का पार्ट बनाएंगे जिसकी हमें स्टडी करनी होती है। स्टेम सेल आर प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, जो भी स्टेम सेल रहेगा उसको हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, एंड अदर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिससे कि वो ग्रो करके अल्टीमेटली वो हमारा स्पेसिफिक ऑर्गन बना दे। द ग्रोइंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इनटू सेलुलर स्ट्रक्चर, तो अपने आप ग्रो करेगा और अपने आप वो सेलुलर स्ट्रक्चर ले लेगा या जो भी हमें ऑर्गन बनाना है, एंड कैन पार्टली रेप्लीकेट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ मैच्योर ऑर्गन फिजियोलॉजिकली प्रोसेस टू रिजनरेट एंड बीइंग इन अ डिसीज्ड स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग हमारी ऑर्गेनॉइड को ग्रो कर लेंगे, ऑर्गेनॉइड ऑफ ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, स्टमक, आईज, लिवर, ये सारे कई सारे ऑर्गेनॉइड्स हैं जिनको हम ऑलरेडी लैब में डेवलप कर चुके हैं। अगर हम लोग एक फोटोग्राफ देखें और स्कीमेटिक की सहायता से समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या है, तो देखिए ये हमारा ह्यूमन है, इस ह्यूमन से हमने क्या किया है, स्टेम सेल निकाल लिया, और वो भी कौन सा, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट जो भी हमारी स्टेम सेल है, या फिर डिसीज म्यूटेशन को स्टडी या जेनेटिक करेक्शन हमें करना है तो उसके लिए हम लोगों ने इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल को हमने ले लिया है। इस इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल को हम लेकर के आएंगे अपने लैब में, इसको हम लोग बाहर से जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ देंगे और ये अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगा और ग्रो करके पूरा ये ऑर्गेनॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ऑर्गेनॉइड पे अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रग की टेस्टिंग कर रहे होंगे, हम लोग इसकी ऑर्गन रिप्लांटेशन भी कर सकते हैं और हम लोग डिसीज मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी डिसीज को समझने के लिए, उस पर ड्रग टेस्टिंग करने के लिए हम लोग ऑर्गेनॉइड का यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो पाई बिकॉज ऑफ स्टेम सेल के मदद से। तो स्टेम सेल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हाउ हैव ऑर्गेनॉइड हेल्प इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज, कैसे ये हेल्प कर रहे हैं। तो ऑर्गेनॉइड्स ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटी टू स्टडी प्रोटीन एंड जीन्स दैट आर क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन। तो ये बेसिकली बता रहा होता है कि कौन से प्रोटीन, कौन से न्यूट्रिएंट की हमें जरूरी है जिससे कि वो ऑर्गन डेवलप हो। दिस हेल्प्स इन नोइंग हाउ अ म्यूटेशन इन स्पेसिफिक जीन कॉजेज अ डिसीज और डिसऑर्डर। तो इससे हमें पता चल पाता है कि उस ऑर्गन में अगर कोई डिसीज आई है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो आखिर में उसमें चेंजेस कैसे हुए हैं, म्यूटेशन किस तरीके का हुआ है, उस पूरे म्यूटेशन की प्रोसेस को हम इस ऑर्गेनॉइड की मदद से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो देखिए अभी जीका वायरस काफी फैला हुआ था जो बच्चे के इम्ब्रायो के माइंड को वो काफी डिस्टॉर्ट कर दे रहा था। इसको समझने के लिए रिसर्चर्स हैव यूज्ड ब्रेन ऑर्गेनॉइड टू स्टडी द जीका वायरस अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट इन द इम्ब्रायो। तो इस तरीके से ब्रेन ऑर्गेनॉइड बना करके इसको समझने की कोशिश की गई थी। Since the organoid closely resemble mature tissues, it opens up new vistas. These include studying the complex arrangement of cell in three dimension and their function in detail and understanding how cell assemble into organ. तो हमें एक पूरा का पूरा structure of the cell पता चल जाता है, कैसे ये structure of cell ultimately lead to formation of an organoid. तो हमें ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जा रही होती है। द ऑर्गेनॉइड कैन बी यूज्ड टू स्टडी द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग एंड ऑल्सो टेस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यूज टू एग्जिस्टिंग मेडिसिन। तो हमें इस ऑर्गेनॉइड पे अब जो भी डिसीज हुई है उसका ड्रग दे करके हम लोग अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी डिसीज फैल गई है जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उस बीमार वाले स्टेम सेल को लेके एक प्रॉपर ऑर्गेनॉइड डेवलप करना होगा और उस पे अब हम टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे और उस टेस्टिंग की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे उस डिसीज की ड्रग निकालने की। क्लियर हो गया क्या चीज है। ऑर्गेनॉइड विल ब्रिंग प्रिसीजन मेडिसिन क्लोजर टू द रियलिटी बाय डेवलपिंग पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज बाय स्टडिंग विच ड्रग
द पेशेंट इज मोस्ट सेंसिटिव टू। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेम सेल लेकर के उस पर टेस्टिंग करके उसके लिए ड्रग हम लोग निकाल सकते हैं और इससे हम लोग जो भी इम्यूनिटी लेवल ऑफ द पेशेंट है उसको भी एज अ पैरामीटर कंसीडर कर सकते हैं, उसको भी हम लोग अपने ड्रग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आज की जो हमारी कोविड 19 है क्या उसके लिए सोल्यूशन हो सकता है, कैन इट बी अ सोल्यूशन फॉर कोविड 19, लेट अस डिस्कस क्या चीज है। अब ये जो स्टडी हमारी आई है उस पे हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। बेसिक्स हमने क्लियर कर लिया, आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब स्टडी को हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं। ऑर्गेनॉइड्स के बारे में पहले बता दिया है कि दीज आर लैब ग्रोन ऑर्गन्स विच क्लोजली रिजेंबल ह्यूमन टिश्यूज दैट आर रिलेवेंट फॉर द डिसीज। इन दीज ह्यूमन organ like structure scientists are beginning to perform more experiments to explore how the SARS-CoV-2 virus replicate in host and even test vaccine and drug against COVID-19. to jaisa ki zika virus ke case mein kiya gaya tha similar function similar experiment we can do for COVID-19 SARS-CoV-2 to is tarike se hum cheeze kar sakte hain। cultured from undifferentiated cell in the human body called stem cell, these tiny organs contain cells which are also present in a real human organ. तो जो भी human organ में reality में available होते हैं उन्हीं पर हम basically test कर रहे हैं, लेकिन directly patient पे ना test करके हम लोग उसके stem cell से derived organoid पे हम लोग test कर रहे हैं। For instance, organoid of blood vessels are perfect mini version of the vascular tissue made up of empty cavity, cells that stabilize it and a membrane wrapped around and keeping it all together. तो इस तरीके से खैर ये तो काफी डिटेल्ड हो गया। इसमें बेसिकली यही पूरी सेल को इसी पूरे डिसीज के डेवलपमेंट को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे होंगे। रिसर्चर्स यूजिंग ऑर्गेनॉइड कैन ओपन न्यू डोर्स फॉर स्टडिंग कोविड 19 सिम्टम्स। तो नए नए जो भी सिम्टम निकल के आ रहे हैं उसको हम लोग स्टडी से ही समझ सकते हैं। Tiny organs have previously helped scientists to understand how the Zika virus and emerging mosquito-borne pathogen cause a smaller head size and intellectual disability in the developing new bones. तो Zika virus के केस में हमने सेम यही काम किया है और उसके माध्यम से हम लोग इस वायरस के बारे में, इस वायरस के रिपरकशंस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नॉर्मली प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट ऑन वायरल इंफेक्शन यूज ओनली माउस मॉडल्स एंड लैब ग्रोन एनिमल और ह्यूमन टिश्यू व्हिच डू नॉट पोजेस द कॉम्प्लेक्सिटी सीन इन द ह्यूमन ऑर्गन। तो पहले हम लोग चूहे वगैरह पे या फिर किसी एनिमल वगैरह पे या ह्यूमन टिश्यू पे हम लोग पहले इसको यूज करते हैं और पहले देखते हैं कि आखिर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या ये जो सारा काम हम लोग कर रहे हैं, ये स्टेम सेल से ऑर्गेनाइड बनाना और उस पर टेस्टिंग करना, इज इट एथिकल। तो यहां पर साइंटिस्ट ने ये कहा है कि दे डू नॉट हैव सेंसरी इनपुट्स और सेंसरी कनेक्शन फ्रॉम द ब्रेन बिकॉज दे हैव लिमिटेड कैपेसिटी। तो ये जो ऑर्गेनॉइड हम बना रहे हैं ये सेंस नहीं है इसमें। आइसोलेटेड रीजन ऑफ द ब्रेन कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर ब्रेन रीजियंस एंड जनरेट मोटर सिग्नल्स। दस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस और अदर हायर ऑर्डर परसेप्शन प्रायर प्रॉपर्टीज इमर्जिंग सीम्स एक्सट्रीमली रिमोट। तो इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं, बट इस तरीके की चीजें डेवलप हुई हैं ऐसा हम लोगों ने देखा है। मतलब साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं कि सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी इनपुट इसमें नहीं आ सकते हैं, बट ऐसा पाया गया है कि इन ऑर्गेनॉइड्स में सेंसेस कैन डेवलप, सेंसेस डेवलप हो सकते हैं और इसीलिए इन सम केसेस साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड सच लैब ग्रोन ब्रेन ऑर्गेनॉइड टू एडल्ट एनिमल्स। तो एनिमल में इस तरीके के ब्रेन को ट्रांसप्लांट किया जा चुका है, यानी कि इसमें सेंसेस आ सकते हैं। द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेनॉइड हैड इंटीग्रेटेड विद द एनिमल ब्रेन ग्रोन न्यू न्यूरॉन कनेक्शन एंड रिस्पॉन्डेड टू लाइट। सिमिलरली लंग ऑर्गेनाइड ट्रांसप्लांटेड इन टू माइस वॉज एबल टू फॉर्म ब्रांचिंग एयरवेज एंड अर्ली एल्वर स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली क्या है, सारे के सारे इसको रियल फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें सेंसेस ले आ सकते हैं। तो ये काफी बड़ा एथिकल चैलेंज है बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, वी आर प्रोड्यूसिंग आवर ओन ऑर्गन्स, वी आर प्रोड्यूसिंग आवर ओन एनिमल और
अ बॉडी जो कि काफी ज्यादा अगेंस्ट द नेचर होगी एंड देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि नेचर कम्स एंड आस्क फॉर सम कंपनसेशन. तो इस तरीके की चीजें हमें आ सकती हैं, कुछ अलग टाइप की विपदा हमें देखी जा सकती है. तो ये थी हमारी आज के डिस्कशन. अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन राइट योर डाउट्स ऑन recognitionis@gmail.com एंड वी विल ट्राई टू गेट इट सॉर्टेड बाई एज सून एज पॉसिबल. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इजी तरीके के नए करंट अफेयर्स के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.